तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविकांत जीएस मोबाइल पे। तो ये सैमसंग का A02S फ़ोन है। तो मैं इसका पावर की प्रेस कर रहा हूँ और सप्लाई मशीन पे आप देख सकते हैं क्या रीडिंग चल रही है। तो ये सेट ऑन होना चाहता है पर ये ऑन नहीं हो रहा, फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और बटन छोड़ते ही ये 00 जाता है, ठीक है, देख सकते हैं पूरा 00 हो गया है बटन छोड़ते ही। तो इसे हम चेक करते हैं एक बार कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो थर्मल कैमरा ऑन कर दिया है तो देख सकते हैं ये इसका लाइट सेक्शन है जो ये शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए फ़ोन ये डेड कंडीशन में जा गया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसे कॉइल हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं कॉइल भी हीट हो रहा है और डायोड और आईसी तीनों पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तीनों चेंज कर देंगे। तो एक बार माइक्रोस्कोप में चलते हैं और फिर चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है जो कि जलने के कारण ब्रेक हो चुका है बीच में से। तो जो पार्ट ख़राब है हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फटाफट मीटर से चेक कर लेता हूँ और इनको चेंज करता हूँ। तो देख सकते हैं किसी ने, दुकानदार भाई ने इसका सील निकाल रखा है और पीछे प्रॉपर हीट लगी हुई है, ठीक है। बैक साइड में देख सकते हैं बोले बाहर आज मतलब आई हुई है इस पर। पहले हम इसको देखते हैं हमारा फ़ोन जो ऑन नहीं हो रहा है। ताकि हमें नोच पॉइंट का पता हो कि किस तरफ है। तो लाइट सेक्शन में क्या होता है, जो पार्ट गर्म हो उसे रिमूव चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी यही करूँगा, जो जो पार्ट हीट हो रहा था वो मैं चेंज करूँगा। अगर आप रोजिन लगा के भी चेक करोगे तो जो जिन जिन पार्टों पे हीटिंग होगी लाइट सेक्शन में, तो खासतौर से चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो आईसी तो रेयर केस में ख़राब होती है, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डोनर बोर्ड से मैं रिमूव करके इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा सब पे रिसोल्व कर देंगे ताकि जब हम पार्ट लगाएं वो फटाफट लग जाए, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारे नए बिगिनर बंदे हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि भाई अगर लाइट नहीं आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक लाइट सेक्शन का जो भी डायोड कैपेसिटर है, जो भी आईसी वगैरह, मैं सब रिमूव करके चेंज कर मैं नया डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है।
तो देख सकते हैं मेरे पास ये फ़ोन नोट 4 का बोर्ड लग रहा है, ठीक है। हाँ नोट 4 है, तो मैं इस पे से पार्ट उठाऊंगा। तो बस आपको पहचान होनी चाहिए कि लाइट सेक्शन में कौन कौन से पार्ट लगते हैं। तो हम पहले एक बार रेसिस्टेंस उठाएंगे, जो हमारा रेसिस्टेंस फ्यूज़ था मतलब जल गया था, तो उसको हम चेंज करेंगे एक बार, ठीक है। तो आप इस पार्ट को जंपर भी कर सकते हैं, और मैं पूरा प्रॉपर इसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बीपीएस आती है, ठीक है। और ये कॉइल है, ये आपके वोल्टेज को बूस्ट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिमूव कर लिया इसको। तो ये हमने कॉइल लगा दिया है, ठीक है। तो उधर वेट करेंगे, मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे एक तरफ नॉर्मल रीडिंग मिलेगी, जो भी आपकी बैटरी कनेक्टर से या फिर जो भी आती है, ठीक है। और एक तरफ आपको बूस्टिंग वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, जो कॉइल के थ्रू आती है। तो मुझसे वो मिसमैच हो गया, कहीं वो गिर गया, तो मैं इस बोर्ड से उठाऊंगा इसको। तो बस हमारी दो चीज़ रहेगी, एक कैपेसिटर रह गया, तो कैपेसिटर यहाँ से उठाएंगे लाइट सेक्शन की तरफ से। तो जो लाइट सेक्शन का कैपेसिटर है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में लगा होता है। तो देख सकते हैं आप, इसका एक सिरा आईसी की तरफ जा रहा है और एक डायोड की तरफ, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, उसी हिसाब से लगाइएगा, ठीक है।
तो देख सकते हैं मैंने अलग अलग बोर्डों से अलग अलग पार्ट इस पर लगाए हुए हैं। तो आप जो आपके पास जितने भी स्क्रब बोर्ड हैं वो उसको आप मतलब डिस्ट्रॉय ना करें, आपके काम ही आएगा वो, ठीक है। तो ये प्रॉपर सर्किट बन चुकी है, अब हमें सिर्फ एक चाहिए आईसी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये लाइट आईसी है, इसका नोच पॉइंट हमने वहाँ पे मार्क कर दिया था। देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रॉपर ये आईसी में लग चुकी है। तो जब बोर्ड हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए जब ही हमें साफ़ करना है, ठीक है, उससे पहले हमें साफ़ नहीं करना है। और एक बार सोर्टिंग या फिर जीआर ले लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो बोर्ड हमारा लगता है ठंडा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा से क्लीन कर लेते हैं। जब बोर्ड गर्म हो, जब हमें बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए भी क्लीन करना है, ठीक है। तो एक बार जी आर लेते हैं, कहीं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या फिर जी आर वगैरह ले लेना, ओके होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। तो ये ओके है, और अब चेक करते हैं जो हमारे जो हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो फटाफट एक बार बोर्ड हम चेक कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे रही जरूर बताइएगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनको बिल्कुल भी लाइट सेशन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैंने बनाया ये वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और इससे आप जिस फ़ोन में लाइट सेशन की प्रॉब्लम होगा आप जरूरी से दूर कर लेंगे। तो चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। और चलिए चेक करते हैं एक बार ये फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। देख सकते हैं चार्जिंग लोगों आ चुका है, और बैटरी शायद मेरे ख्याल से डाउन है।